देश के हाथरस के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की सादावा क्षेत्र में रहने वाले संतोष कुमार ने अपनी बेटी नम्रता की शादी 2 वर्ष पहले थाना हाथरस सदर इलाके के मोहल्ला लाला का नगला के रहने वाली शिवा उर्फ भोला के साथ की थी, जो कि हलवाई का काम करता था। मृतक महिला पर 2 बच्चे भी थे। मृतक के पिता ने बताया कि शादी कुछ दिन बाद ही घर में तनाव शुरू हो गया। साथ ही ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करने लगे और उसे पैसे और प्लॉट की मांग करते थे। आज उनकी मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी। वही घटनास्थल पर पहुंचे सीओ सिटी राम सब्त यादव का कहना था कि हत्या की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। कहाँ के रहने वाले हो? सादावा। क्या मतलब है यहाँ का? ये आपकी सिस्टर थी क्या? बेटी थी। बेटी कैसे खत्म हो गई? मुझे नहीं मालूम। जिस यहाँ पर हमें आए हैं, यहाँ पर हमको सूचना मिली है, हमको डेड बॉडी मिली है बेटी को, और कुछ नहीं मालूम किस तरीका से मरी, किस तरीका से मारा, हमें किसी तरीके कोई ना मालूम। तो बेटी कुछ बता दी थी आपको पहले? वो चल रहा था घर में तरह क्या दही ये सब लोग जी ये सब मॉलिश करते थे, परेशान करते थे बेटी। क्या दही मांगा गया था? कई बार काफी बार टॉर्चर किया बेटी को। क्या क्या मांगा गया था? वही है पैसे। तो शादी कब हुई थी? पैसे जो भी है, एक प्लॉट की भी चर्चा कर रहे थे कि साहब तुमने कहा था प्लॉट देंगे, मैंने मेरे पास कहा प्लॉट में। शादी कब हुई थी? 2 साल हुए। नम्रता और फिर नेहा नाम की लड़की है जो 2 साल पहले बताया जा रहा है कि शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं और अभी तक जो बता रहे हैं लोग कि गला दबा के, लेकिन उनकी सास बता रही है कि इस दुपट्टे से इस पंखे में लटक करके जो है इसने हत्या की है। कुछ इसके पीर वाले बता रहे हैं कि कोई दहेज का मामला है, क्या है ये सब जो है बाद की कार्रवाई है। अभी हम पोस्टमार्टम कराएंगे, पहले जो है ये पता चले कि किस तरीके से इसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सर शादी शादी 2 साल पहले बता रहे हैं। शादी